ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। बुलेटिन का रुख करते हैं हम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 28वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मेरे पिता एक नेक, दयालु एवं स्नेह करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे सभी लोगों से प्रेम करने और सभी को सम्मान देने की शिक्षा दी। उन्होंने मुझे सिखाया कि कभी घृणा नहीं करना। साथ ही महासचिव प्रियंका गांधी ने हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ का एक अंश और अपने पिता की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया, आप हमेशा मेरे हीरो रहेंगे। एग्जिट पोल आने के बाद बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने एक बड़ी कार्यवाही की है। उन्होंने अपने पुराने सिपह सलार रहे रामवीर उपाध्याय को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी महासचिव मेवालाल गौतम ने कहा कि रामवीर लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। उन्हें हिदायत दी गई थी, लेकिन रामवीर ने आगरा, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़ समेत कई सीटों पर खड़े किए गए पार्टी प्रत्याशियों का खुलकर विरोध किया और विरोधी पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन किया। एग्जिट पोल में एनडीए की केंद्र में दोबारा सरकार बनाने के संकेत मिल रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एग्जिट पर ध्यान न देने की अपील की है। एक ऑडियो संदेश में प्रियंका ने कहा, आप लोग अफवाहों और एग्जिट पोल से हिम्मत मत हारिए, ये अफवाह आपका हौसला तोड़ने के लिए फैलाई जा रही है। इस बीच आपकी सावधानी और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। स्ट्रॉन्ग रूम में मतगणना केंद्रों पर डटे रहिए और चौकन्ने रहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी और आपकी मेहनत का फल मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रोशन बेग ने एग्जिट पोल में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के अनुमान के मद्देनजर पार्टी छोड़ने के संकेत दिए हैं। बेग ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यदि राजग सरकार में लौटता है तो मैं विनम्रता से मुस्लिम भाइयों से अनुरोध करता हूं, वो परिस्थिति से समझौता करें। कर्नाटक में मुसलमानों के साथ क्या हुआ? कांग्रेस ने सिर्फ एक ही टिकट दी। ये पूछा जाने पर कि क्या वो आने वाले दिनों में कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लेंगे, बेग ने कहा, यदि जरूरत पड़ी तो जरूर। चुनाव आयोग ने विपक्ष के ईवीएम और वीवीपैट मशीनों पर लगाए जा रहे सभी आरोपों को खारिज किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि चंदौली, गाजीपुर और डुमरियागंज में ईवीएम पर जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। जिन स्थानों पर ईवीएम मशीनों को रखा गया है वहां पूरी सुरक्षा है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सभी ईवीएम और वीवीपैट को वीडियोग्राफी में राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के सामने ठीक से सील कर दिया गया था। हर जगह प्रत्येक उम्मीदवार के एक प्रतिनिधि को 24 घंटे रहने की अनुमति दी गई है। पश्चिम बंगाल की 24 कोलकाता उत्तर लोकसभा सीट के एक पोलिंग बूथ पर 19 मई को हुआ मतदान चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। आयोग ने पत्र जारी करके इसकी सूचना दी है। पत्र में कहा गया है कि 24 कोलकाता उत्तर लोकसभा सीट के पोलिंग बूथ संख्या 200 पर हुए मतदान को रद्द कर दिया गया है। इस पोलिंग बूथ पर अब कल पुनर्मतदान होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की ओर से एनडीए नेताओं के लिए आयोजित डिनर का मेन्यू पता चल गया है। दिल्ली के अशोका होटल में होने वाले डिनर में 35 प्रकार के व्यंजन परोसे जाएंगे। डिनर में अलग अलग राज्यों से एनडीए के नेता आएंगे। इसी को देखते हुए बिहार, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट और पंजाब की कई डिशेस होंगी। बताया जा रहा है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, इसलिए खास तौर से कई गुजराती व्यंजनों को भी शामिल किया गया है। ये डिनर आज शाम 7:30 बजे के बाद शुरू होगा। इसमें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान समेत एनडीए के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। एग्जिट पोल के अनुमानों से डरी जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज ट्वीट कर आशंका जाहिर की है कि ईवीएम की अदला बदली की जा सकती है। उन्होंने लिखा, ईवीएम बदलने की खबरें लगातार आ रही हैं और अभी तक चुनाव आयोग की ओर से इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जिस तरह से एग्जिट पोल के बाद लहर बनाने की कोशिश हो रही है, ये एक तरह से दूसरे बालाकोट की तैयारी है। पश्चिम बंगाल में कल देर रात एक बार फिर कूट बिहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इस दौरान गोलीबारी भी की गई। बताया जा रहा है गोली के चपेट में आने से 3 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। इस दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता की दुकान में आग लगने की खबर भी आई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दुकान में आग टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लगाई है।
कमलनाथ सरकार में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने एक बयान देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 25 विधायक हमारे संपर्क में हैं। 23 मई को नतीजे आने के बाद अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो ये सभी विधायक हमारे साथ आ जाएंगे। वहीं एग्जिट पोल के नतीजों पर पीसी शर्मा ने कहा कि पहले भी एग्जिट पोल फेल होते रहे हैं, 23 मई को जब परिणाम आएंगे तो एग्जिट पोल के सारे दावे फेल हो जाएंगे। नदियों की साफ सफाई को लेकर एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया है कि गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे पर कोई भी अवैध तरीके से शिविर लगाकर ना रहे। एनजीटी ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को गंगा या उसकी सहायक नदियों में गंदा पानी या औद्योगिक अपशिष्ट डालने को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है। ऐसा ना होने पर जिम्मेदार व्यक्तियों और अधिकारियों से मुआवजा वसूला जाएगा। लखीमपुर खीरी से संजय राठौर के अनुसार निघासन कोतवाली के जोखीपुरवा गांव में रात करीब 1:30 बजे दबंगों ने जबरदस्ती कब्जा करके गेट लगा दिया। परिजनों ने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने लाठी डंडों और ईंटों से मारना शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने शोर मचाकर अपनी जान बचाई। गेट रखा जबरदस्ती गेट रात में रखा का यहाँ और यह दीवार हमारी तोड़ी का यहाँ और जबरदस्ती गेट रखे दिन कम से कम 50-60 लोग परिवार के रहे हैं और हम चार भाई हैं मात्र। तो तुमने विरोध किया होगा, इसका क्यों तोड़ रहे हो? रात को जब जानकारी मिली होगी खटपट की आवाज आई होगी तब हम भाई के यहाँ दिनेश के यहाँ दाबे पड़े रहे, तब उनका दाबे पड़े रहे, तब जब दो लोग दाबे रहे संकेश और लवकुश दो लोग दाबे पड़े रहे और वो जब चिल्ला नहीं हुआ था तब उठ गए तब उनका हुआ था छोड़ दिन और दीवार गिरवैया दीवार गिरा दी बाकी बाद में सब खंडा बयांग चलावे लगा। अच्छा जो खंडा पड़ा है तुम्हारे घर में बरामदे में सब पूरी जगह फैला पड़ा है, ये कैसे क्या मामला है? यू ऊपर से ये लोग मारी नहीं है। अच्छा कोई लोग चोटिल भी हुए? अंदरूनिया कैसी चोटें लगी, अंदर अंदरूनी चोटें लगी या कैसे भी और कुछ? चोटें अंदरूनी पखौरा पर यहाँ लग गए है और गार्डन में यहाँ लगे। छोटकाऊ भाई कह रहा हमारे गोड़ फूट गया है और मंजिलू भाई कह रहे पखौरा पर यहाँ लगे। पुलिस को लिखित सूचना दी गई इसके बारे में, जानकारी दी पुलिस को? पहले से नहीं, लफड़ा चलते रहे तब रहा है, आज वाली नहीं रहे भाई। नहीं अब गए। अच्छा अच्छा हाँ गए हैं ठीक। रात में जाते रहे तब इंघी रास्ता जिनका से रहा है और इंघी पूर्व हूँ से रहा है। पीलीभीत से निजामुद्दीन राजन के अनुसार कोतवाली बीसलपुर मोहल्ला में 32 साल की वंदना ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों को सूचना मिली तो बेटी के ससुराल पहुंचे, उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी के मुताबिक वंदना की शादी 2005 में सुदीप सैनी से हुई थी। आए दिन ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान करते थे। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि आत्महत्या है या फिर हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारी लड़की गई। क्या मामला है, कैसे हो गई? मामला का जी रोज पैसा मांगता है, रोज अपने लड़के भड़काता है, अब कहते हैं कि लाओ पैसा, अब पूरे घर में मुझे अकेला करता है कि जो मार डाल रहा है आपको कैसे सूचना मिली? हमें सूचना मिली नहीं, लोगों ने दे जब मार डाले तब एक डायल 100 के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि वंदना नाम की विवाहिता ने फांसी लगा दी। मौके पर डायल 100 आई, उसके बाद इंस्पेक्टर साहब आए, हम भी आए। ये बमरोली की रहने वाली है, ये लगभग मई 2015 में इनकी शादी हुई थी, इनकी 3 साल की एक बच्ची है और इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। उनके परिवार वाले से तहरीर ली जा रही है, जो भी तहरीर देंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक विशेष बात यह है कि इसके जो पति है उसने भी कोई जहरीला पदार्थ खाया तो उसका उपचार चल रहा है। कल रात मुंबई में सलमान खान की फिल्म भारत की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। इसमें सलमान खान के घर वाले और उनके करीबी दोस्त पहुंचे थे। इस दौरान सलमान खान, हेलन के अलावा अलवीरा अपने पति के साथ पहुंची। स्क्रीनिंग में सुनील ग्रोवर और कैटरीना कैफ भी मौजूद थे। फिल्म अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट की है। भारत 5 जून को ईद के मौके पर रिलीज होगी। A1 न्यूज़ टीवी में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।